स्ट्रीमर्स पूरे एक महीने बाद वापस आए। हाँ शायद, तो इस बार पेपर भी थे और पिछली ब्लॉग को देख के थोड़ा लगता है कोविड जी उदास हो गए थे कि बेचारे को रक्षा का कवच कौन बांधेगा, कोई बहन ही नहीं मिली क्योंकि राखी बांधती तो कोविड हो जाएगा। तो वो आगे मुझसे मिलने खटखटाते हुए दरवाज़ा, उन्होंने किया खटखट, मैं आई कमिन ने पूछा, कहता मैं आ गया बस, बिन बुलाया आती थी हूँ, अब मैं जाऊँगा नहीं, आ गया जी, कहते अब तो बांध के रहो। मैं ऐसे भागो रे भगो भाग के गई, पर उसने मतलब क्या किया, उसने कहा ठीक है मैं थोड़ा मज़े लेता हूँ, पेपर तो है, 15 तारीख को पेपर था, सुबह मुझको हेडेक हो गया। अरे वाह क्या ही, मैंने सोचा था कि कोविड जी मतलब बालकनी में बैठे हैं तो थोड़ा दूर हो गए हैं, घर के अंदर नहीं आ रहे, मतलब बाहर बैठे हैं, हेडेक हो गया। चलो जी वाइवा था, वाइवा दे दिया, मतलब दे दिया, बहुत बढ़िया गया। उसके बाद शाम तक शिवरिंग हुई, बुखार हुआ, बुखार पहुंचा 102, और फिर क्या, एक एक करके सारे सिम्टम्स आने लगे। पर कोविड जी ने क्या किया, पूरे एग्जाम भर उन्होंने कहा बेटा जी आपका RT-PCR नेगेटिव है, कोई बात नहीं, आपका RAT भी नेगेटिव है। जिस दिन एग्जाम खत्म हुए उसके अगले दिन RT-PCR पॉजिटिव, मतलब 5 दिन का ये सफ़र, 5-6 दिन ऐसे ही उसने निकाल दिए मेरे नेगेटिव कह के, और सीधा 6ठे दिन पॉजिटिव। बॉडी एक जबरदस्त एकदम, मतलब बच के रहो, कोई नहीं, कहानी ऐसे शुरू हुई। बट आगे इन्हीं दौरान जब मैं बीमार पड़ी थी, कुछ और तो काम था नहीं मेरा, लेटी हुई थी, तो अपने दिमाग में मैं सोच रही थी हम जो बचपन में खेलते हैं, ये स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं, और जितने भी होते हैं बाकी खेलने की चीज़ें एक पार्क में, उनका मतलब क्या होता है, कभी सोचा है आपने? मतलब बहुत दिमाग लगा के मैंने सोचने की कोशिश करी है, मतलब व्हाट इज़ द मॉरल बिहाइंड। खेलने में तो बड़ा मज़ा आता है, तो अब मैं बताती हूँ मेरे अंदाजे से, मतलब मैं मेरे मुताबिक वो सारे खिलौनों का क्या तात्पर्य या क्या मॉरल निकलता है। तो अगर हम देख लें एक स्लाइड, वो एक साइड से तो सीढ़ी हमें मेहनत करके चढ़नी पड़ती है, पर उस साइड से वो क्या होती है, फिसलन है वजह से नीचे। तो हमें ये सिखाता है कि दो चीज़ें सिखाता है, पहली चीज़ कि हर कठिन परिश्रम के आगे आपको फल मिलेगा, ठीक है, तो हर एक चीज़ को पाने के लिए हमें मेहनत करनी है। और दूसरी तरफ वो बोलता है अगर आप एक तरफ आप चढ़ लेते हैं, इफ़ यू अचीव समथिंग, बट उसका डाउनफॉल भी ज़रूरी है ताकि आप दोबारा चढ़ के वापस नीचे आ सकें। दिस वॉज द अनदर। अब है स्विंग, आपने देखा होगा बचपन में रेस लगी होगी कौन पहले आएगा आगे स्विंग में और कितने ऊपर जाएगा, तो उसी से मुझे ये पता लगा कि स्विंग हमें ये सिखाता है कि जीवन में कभी कोई आगे होगा तो कभी कोई आगे होगा, कभी किसी और रफ्तार से कोई आगे निकलेगा तो कभी उसी स्पीड से कोई वापस आएगा। तो ये था मेरा स्विंग का एनालिसिस। तीसरे झूले पे आते हैं, तीसरा है सीसो, मतलब कभी भी दो लोग अगर आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कभी आप उसको अपने आप से नीचे मानेंगे, कभी आप ऊपर, और कभी आप दोनों ही सेम उस पर होंगे, है ना। स्विंग में भी सीसो में तो वही होता है ना, मतलब अरे अभी ये बोलते बोलते पता लगा ये तो हमारे पार्क में मैक्सिमम एस से शुरू होने वाले शब्द हैं, स्लाइड, सीसो, स्विंग, देखो स स स। उसके बाद चौथा, वो जो गोल गोल रानी होती है ना, बचपन में गाते थे हम, इसलिए याद आ गया, वो जो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है, तो वो हमें क्या बताता है, अब सब कुछ मैं बताऊंगी तो आप क्या बताओगे मुझे, बताओ ज़रा। चौथे वाले बताता है कि गोल गोल रानी, ओ सॉरी ये अटक गया मेरे दिमाग में, अब गाना पड़ेगा गोल गोल रानी ठंडा ठंडा पानी, आगे मुझे आता नहीं, तो वापस आता है टॉपिक पे, मुद्दे की बात पे। तो वो जो गोल गोल वाला होता है झूला, वो हमें बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, अगर आपको कुछ और बताओ तो मुझे बता देना।
हमारा कैमरा पर्सन पूरा एक्सप्रेशन लेस है, मास्क के पीछे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है आज हमें। आप लोग ही कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके साथ ये ब्लॉग यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।